नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। गोरखपुर से बड़ी खबर है, मुर्तजा को लेकर कोर्ट पहुंची एटीएस। अब से कुछ ही देर में मुर्तजा की पेशी होगी। एटीएस दोबारा रिमांड पर लेने की मांग रखेगी, अपील करेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मुर्तजा की पेशी को लेकर कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई है। आज 7 दिन की रिमांड खत्म हो रही है और यही वजह है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश एटीएस मुर्तजा को लेकर एसीजेएम कोर्ट पहुंची है। कुछ ही वक्त में पेशी होगी और जज इस पर फैसला सुनाएंगे कि आखिर मुर्तजा की रिमांड बढ़ाई जाए या फिर रिमांड का जो वक्त पूरा हो रहा है इसके बाद उसे वापस जेल भेजा जाए। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की गोरखपुर से है। गोरखनाथ मंदिर हमले का आरोपी है मुर्तजा, लेकिन इस 7 दिन में कई अहम सुराग उसकी बातचीत से निकले हैं, कई लिंक्स उसके निकले हैं। मुर्तजा को लेकर गोरखपुर पहुंची है एटीएस। एसीजेएम कोर्ट गोरखपुर में उसकी पेशी होगी और कड़ी सुरक्षा के बीच उसको पुलिस लेकर पहुंची है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सघन सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई थी। एक बड़ा आरोपी है, आतंक के आरोप लगे हैं, मिडिल ईस्ट से लेकर नेपाल, बांग्लादेश, कई देशों से इसके लिंक सामने आए और यही वजह है कि कड़ी सुरक्षा के बीच एटीएस मुर्तजा को एसीजेएम कोर्ट लेकर गोरखपुर में पहुंची है। पेश आज उसे किया जाएगा और एटीएस दोबारा रिमांड पर मांग करेगी, अपील करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव लाइव कनेक्ट हो गए हैं। दीपक, क्या अपडेट, आज मुर्तजा की पेशी होनी है? देखिए, मुर्तजा को अभी एसीजेएम सेकंड का जो कोर्ट है उसमें पेश किया गया है, सुनवाई अभी चल रही है और माना जा रहा है कि एक हफ्ते का जो एटीएस रिमांड पे लेने की उसको कोशिश कर रहे हैं उस पर जज अभी कुछ देर बाद अपना निर्णय देंगे। और पूरे कोर्ट परिसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। जो तमाम एटीएस की गाड़ियाँ मुर्तजा को लेकर के आई थी वो यहाँ पर मौजूद हैं और ऊपर जहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है वहाँ पर उसकी पेशी चल रही है और अब कुछ देर बाद माना जा रहा है कि अभी उसको जो है जज का जो निर्णय आएगा उसको रिमांड पर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसके बाद से उसको फिर इन गाड़ियों में ला करके वापस भेजा जाएगा। और अगर हम यहाँ के वकीलों की बात करें तो मुर्तजा के तरफ से कोई भी वकील गोरखपुर में ये केस लड़ने को तैयार नहीं है, पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया इन्होंने कि एक आतंकी का केस वो नहीं लड़ेंगे। और अब सिर्फ जो सरकारी वकील हैं वो इस केस को मुर्तजा के खिलाफ यहाँ पर लड़ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अभी जिस तरह से कल एनआईए ने पूछताछ की आयुष इस पूरे मामले में और उससे लगातार खुलासे हो रहे हैं, इसको देख करके ये माना जा रहा है कि अभी एक सप्ताह की कम से कम और रिमांड पर लेने की उसको एटीएस कोशिश करेगी और लगभग 15 से 20 मिनट में जो पूरा अभी ये निर्णय चल रहा है वो अभी आ जाएगा और रिमांड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने दिन का रिमांड मिलेगा ये अभी एसीजेएम सेकंड जो यहाँ पे हैं जिनके कोर्ट में पीसी चल रही है वो अभी यहाँ पे कुछ देर बाद अपना फैसला सुनाएंगे। बिल्कुल दीपक, ये बड़ी खबर है जो आपने बताया कि किसी भी सरकारी दरअसल किसी भी वकील ने मुर्तजा का केस लड़ने से इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर है, एक तरफ सुनवाई चल रही है लेकिन उससे पहले किसी भी वकील ने मुर्तजा का केस लेने से इनकार कर दिया और उसके बाद सरकारी वकील जो हैं वो मुर्तजा का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन जो अहम सवाल दीपक है कि क्या पक्ष रखा जाएगा एटीएस की तरफ से, क्योंकि 7 दिन में कई अहम सुराग एटीएस के हाथ लगे हैं, कई लिंक्स निकले हैं, इसको कोर्ट में रखने के बाद रिमांड बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। देखिए, एनआईए ने कल अभी इस मामले में पूछताछ की और एनआईए का इन्वॉल्वमेंट तब होता है जब देश पे खतरा हो या देश पे खतरे से जुड़ा हुआ कोई मामला हो। निश्चित रूप से मुर्तजा से जिस तरह से खुलासे हुए, आईएसआईएस से उसके ताल्लुकात अभी बताए जा रहे हैं, आईएसआई से उसके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, नेपाल के मदरसों में वो जाता था, वहाँ पर देश विरोधी तत्वों के साथ मिलता था, उसने अपने जो उसके वीडियोज़ वायरल हुए उसमें भी उसने खुद ये कबूला है कि वो हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। जो उसके कौम के लोग हैं उन पर जब आतंकियों पर हमला होता था तो वो उसको कर के बुरी तरह से परेशान होता था। तो ये जो चीजें हैं ये बता रही हैं कि मुर्तजा की प्लानिंग इतनी छोटी नहीं थी, एक बड़े स्तर पे प्लानिंग करता था और उसके साथ जो प्लानर थे वो और भी कई लोग थे। वो कौन लोग थे इनके बारे में पूछताछ करने के लिए, इनके बारे में पुख्ता जानकारी करने के लिए एटीएस पिछले एक सप्ताह से पूछताछ कर रही थी और अभी भी कई ऐसे राज हैं जो मुर्तजा के सीने में दफन हैं और उन राजों को निकालने के लिए और उसके नेटवर्क का पूरी तरह से पर्दाफाश करने के लिए अब एनआईए भी एटीएस के साथ जुड़ी है। तो निश्चित रूप से अभी एक सप्ताह का रिमांड और उसका लेने की कोशिश यहाँ पे एटीएस करेगी और उसे अगर रिमांड मिल जाती है तो वापस लखनऊ ले जाकर के जो एटीएस मुख्यालय है वहां पे उससे पूछताछ की जाएगी। जी दीपक, सबसे अहम, क्या एक हफ्ते की ही रिमांड ली जा सकती है, इसकी अपील की जाएगी? और साथ साथ मुर्तजा से आगे आने वाले वक्त में ऐसे कौन से लिंक्स हैं, ऐसे कौन से सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए एक सप्ताह की ही रिमांड यहाँ पे अभी माना जा रहा है कि एटीएस उसकी लेगी और एक सप्ताह के बाद उसे और अगर जरूरत पड़ेगी तो रिमांड पे और लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल 7 दिन का रिमांड आज पूरा हो रहा है और 7 दिन का और रिमांड अगर लेंगे तो 7 दिन में लगभग माना जा रहा है कि तकरीबन जितनी भी जाँच है वो पूरी हो जाएगी, उसका जो नेटवर्क है पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा और जो लोग हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। तो एक सप्ताह का जो वक्त होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है और तमाम जो लिंक्स उसके अभी सामने आए हैं ये माना जा रहा है कि एटीएस अब उन जगहों पर भी उसको लेके जा सकती है जहाँ जहाँ पे वो लोगों से मिलता था, जहाँ जहाँ पे वो अपने शातिर मंसूबों को अंजाम देता था, जिस तरह से मदरसों में उसके जाने की बात की जा रही है तो वहाँ पे भी उसको ले जा करके पूछताछ की जा सकती है, उन जगहों पे किन लोगों से मिलता था इसके बारे में भी जांच की जा सकती है। तो अभी जांच का दायरा अगर कहें आयुष तो काफ़ी बड़ा है।